आज मोटरॉक्टेन पे आपके लिए और एक एक्सक्लूसिव आने वाला है, एक ऐसी एसयूवी जो आपने पहले नहीं देखी होगी और ये इंडिया में आने वाली है और हम आपके लिए पहली लेके आए, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए नए गाड़ियों के कंटेंट ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी है किया की EV9। जी हाँ, ये एक न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो इंट्रोड्यूस की गई है, 7 सीटर है और एक्साइटिंग बहुत है। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए विद द फ्रंट। यहाँ पे आपको किया की टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज देखने मिलेगी। तो किया में आपने देखा है जैसे कारेंस वगैरह जो भी एसयूवीज आती है उनकी, उसी तरीके का डिजाइन पैटर्न दिया गया है। अब इसके जो हेडलैम्प्स है, यहाँ पे LEDs अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ऊपर तक जाते हैं, ये पूरा डे टाइम रनिंग लाइट्स है। और जो इसका हेडलैम्प मेन एरिया है वो यहाँ पे दिया गया है और ये भी उसके DRL से कंटिन्यूएशन पैटर्न में दिए हुए। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है इस गाड़ी का एंड इट हैज नो टू वेज अबाउट इट। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल जाता है, आपके पास केवल सेंसर्स है गाड़ी में और कैमरा दी हुई है यहाँ पे एंड नीचे आपका रेडार आ जाता है। साइड प्रोफाइल जब आप नोटिस करोगे, आप देखोगे गाड़ी बहुत वाइड है कि हमारे कैमरा में जस्ट फिट आ रही है, कम्प्लीटली एकदम बड़ी है। एंड इसमें जो डिजाइन एलिमेंट्स दिए हुए दे आर वर्थ टॉकिंग। सो यहाँ पे नोटिस करोगे काफी सारे कट स्क्रीन दिए हुए, 21 इंच के व्हील्स आते हैं एंड लुक एट दीज अलॉय व्हील्स, दे लुक सो लवली। मैंने बहुत रेयरली कोई अच्छे अलॉय व्हील्स देखे, मैं ऑफ लेटली अलॉय व्हील्स की तारीफ नहीं करता हूँ, बट दीज वंस डेफिनेटली स्टैंड आउट। अब जनरली आपके पास मिरर आ जाती है, अब ये फ्यूचरिस्टिक कार है तो यहाँ पे मिरर नहीं दी हुई है, आपको इंस्टेड एक कैमरा दी हुई है। जरा अगर आप यहाँ आके देखोगे आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाती है। इसमें डोर हैंडल्स जो है फ्लश्ड है, जो अंदर चले जाते हैं जब गाड़ी लॉक हो जाती है और जब गाड़ी ज्यादा तेज चल रही है तो अगेन लॉक हो जाते हैं। एंड लोअर पार्ट में आपके पास यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ओवरऑल काफी स्टाइलिश लग रहा है इसका। सनरूफ के पहले आप रूफ रेल्स देख लीजिए, बड़े साइज के रूफ रेल्स दिए हैं। सनरूफ जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आगे एक ड्राइवर को ड्राइवर के लिए दिया हुआ है और पीछे बड़े साइज का सनरूफ दिया हुआ है। यहाँ रियर पे जाने से पहले आपके पास दिया गया है आपका चार्जिंग पोर्ट, तो ये रहा आपका AC, ये रहा आपका DC चार्जिंग पोर्ट और इससे आप फोल्ड कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। अब अगर आप इसका पूरा रियर डिजाइन देखते हो, इट लुक्स प्रीटी नीट, काफी अच्छा स्टाइलिंग दिया हुआ है इसको एंड जिस तरीके से फ्रंट जो हेडलैम्प दिया हुआ है काफी शार्प देने की कोशिश की गई है, टेल लैम्प्स में भी उसी तरीके से लंबे टेल लैम्प्स हैं एंड वो ही टाइप का डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे भी दे दिया गया है। आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर आ जाता है, आपके पास शार्क फिन एंटेना भी है एंड टडन यहाँ पे आपके पास कैमरा दिया हुआ है विच इज क्वाइट नाइसली हिडन। ये देख रहे हैं आप, ये लाइट जल रही है यहाँ पे, दिस इज द रिफ्लेक्टर एंड ऑफकोर्स द ब्रेक ऑल्सो। ओके, नाउ लेट मी ओपन द बूट। इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट है इस गाड़ी को और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी एक कैमरा दी हुई है इस पे, तो इसमें टेक्निकली दो कैमराज दिए हुए इन्होंने। ओके, तीनों रेज रोज जो है रेज डे इस समय एंड फिर भी आपके पास अच्छी खासी बूट स्पेस है, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। 7 लोगों का सामान नहीं ले जा सकते लेकिन अच्छी खासी बूट स्पेस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप थर्ड रो की सीट्स एक्चुअली बंद कर सकते हैं, तो अगर मैं थर्ड रो यहाँ से बंद करूँ तो थर्ड रो बंद हो जाता है एंड अगर मैं सेकेंड रो की सीट को भी प्रेस करके रखूँ तो सेकेंड रो भी बंद हो सकता है। मेरे ख्याल से वो एक एक चीज एक टाइम पे करता है, इसी वजह से सेकेंड रो बंद नहीं हुआ। और थर्ड रो की मैं दूसरी सीट भी यहाँ पे अगर प्रेस करके रखूँ तो ये भी बंद हो जाती है क्वाइट इजीली। और ये सिर्फ बंद नहीं होता है, ये खुलता भी है। तो जब तक ये बंद हो रहा है मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आपके पास यहाँ पे एक और एक सॉकेट है, तो आप मतलब ये इनके स्टाइल का यहाँ के देश का सॉकेट है बट यहाँ पे आपको एक मतलब आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप बारबेक्यू वगैरह सब कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं थर्ड रो की सीट्स चाहूँ तो इनको वापस रेज भी कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकली। सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों के लिए ये पॉसिबल है। अब इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं, सो यू गेट दिस। ये आपको अगर बूट खुला ही रखना है तो इसको होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, तो आपको कैसे भी चार्ज करना हो, 12 वोल्ट का सॉकेट चाहिए, प्रॉपर AC सॉकेट चाहिए, दोनों आपके लिए यहाँ अवेलेबल करा दिए गए। अब बारी है इस गाड़ी के अंदर जाने की। ऑलराइट, सबसे पहले हम थर्ड रो में जाएंगे इस गाड़ी के, तो दो तरीके हैं थर्ड रो में जाने के लिए। एक बटन ऊपर की तरफ यहाँ मिलता है आपको और दूसरा नीचे आता है, तो कोई भी एक बटन अगर मैं दबा दूंगा इससे मेरी फ्रंट सीट जो है, सेकेंड रो की सीट जो है वो फोल्ड होती जाएगी कम्प्लीटली। और इस बार भी वही हुआ है, मुझे सिर्फ अभी यहाँ से जाना है पीछे और ये कर देता हूँ डोर बंद। ओके, तो यहाँ पीछे बैठ गया हूँ मैं। फिलहाल मैं पहले आपको हेडरूम दिखा देता हूँ, फिर हम दूसरी चीजों पे जाएंगे। हेडरूम ओवरऑल डिसेंट इनफ है, नॉट बैड नॉट गुड, ओके इनफ है।
और ये देख लीजिए थाई सपोर्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा थाई सपोर्ट नहीं है, ठीक ठाक ही है। अब अगर मेरे को ये सीट को वापस लाना है पीछे, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट प्रेस दिस बटन और ये अपने आप ही पीछे आते जाएगा, जिससे हमें आइडिया है कि ओवरऑल गाड़ी में कितनी नी रूम दी गई है फॉर योर पैसेंजर्स। तो अब ये रुक गया और मुझे जस्ट ओके, देखेंगे ना अगर आप, मेरा पैर ऑलमोस्ट टच ही हो रहा है, देख रहे हैं मेरा पैर टच ऑलमोस्ट हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास थर्ड रो में इस गाड़ी में। अब यहाँ पे मेरे पास और भी चीज़ें विच आई विल शो यू, आपके पास चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, आपके पास दो कप होल्डर्स है, एंड इससे आप अपनी सीट एक्चुअली रिक्लाइन, देख रहे हैं ये, देख रहे हैं रिक्लाइन में चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, सिर्फ दोनों साइड दे हुआ, तो मैं सीट मेरी रिक्लाइन एकदम मैक्सिमम पे, तब मेरे पास अब हेडरूम थोड़ा बढ़ गया है, देख रहे हैं अब मेरा हेडरूम थोड़ा पीछे से बढ़ गया। वैसे बूट स्पेस तो ठीक ठाक ही है गाड़ी में, तो इस वजह से अब रिक्लाइन बढ़ने की वजह से बूट थोड़ी छोटी हो जाएगी, बट मेरा हेडरूम ओवरऑल बढ़ गया। ओके सी दिस, आपने देखा इसको पीछे भी एसी वेंट्स दिए गए हैं, तो आप अगर थर्ड रो में भी बैठते तो भी आपको जल्दी से कूलिंग हो जाएगी। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रो ऑफ सीट्स, यहाँ दिखाते हैं कितनी स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। ऑलराइट, तो वापस अगेन मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटली, एंड ये सीट पीछे आते जा रही है। वैसे जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आप नोटिस करोगे तो जो ये सीट है, ओके ये सीट के नीचे इधर आपको कंट्रोल दिए हुए हैं, जिससे आप एक्चुअली सेकेंड रो की सीट्स को पूरी तरह एडजस्ट कर सकते हो। ओके नाउ इफ यू कम बैक हियर, आप इधर आ जाइए, आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। ओके ग्लास एरिया काफी, अगर आप यहाँ देख रहे हो ग्लास एरिया बहुत वाइड है गाड़ी का, जिस वजह से आपको पीछे एकदम खुला खुला महसूस होने वाला है, एंड आपके पास यहाँ पे सनब्लाइंड भी दे दिया गया है। ऑफ कोर्स इट इज मैनुअल, बट आपके पास सनब्लाइंड भी अवेलेबल कराया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, तो इससे क्या होता है आप अपनी सीट मसाज ऑन कर सकते हो गाड़ी का, एंड आप इसके इंटेंसिटी को भी कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं क्वाइट ईजिली, और यहाँ पे आपके पास मोड्स आ जाते हैं, तो यू कैन कीप दैट प्रेस्ड, एंड आपको दोनों सीट्स के लिए इंडिविजुअल मोड्स मिल जाते हैं, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग जिस तरह का आपको मसाज पसंद है। यहाँ पे आपके पास अगेन एसी वेंट्स दिए गए हैं ऊपर, जिसे आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, एंड यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ इट ऑल्सो, दोनों साइड दिए हुए, और पीछे आपको जो रियर एसी दिए हुए हैं उसके कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए। जनरली आपको नीचे मिलता है, इसमें आपको ऊपर दे दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये खोलते हो तो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी हुई है, और ये फर्दर खुल जाती है टू दिस, इसको मैं वापस अंदर भी ले सकता हूँ, एंड इफ आई ओपन दिस आई कैन एक्चुअली इसको अंदर लेके और इधर डीप स्टोरेज भी मिल जाती है, isn't that fantastic? अब यहाँ पे आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दोनों साइड पे दिए हुए हैं, दो कप होल्डर्स अवेलेबल कराए गए हैं, यहाँ पे यू गेट दैट एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर थिंग्स। इस गाड़ी की जो सेकेंड रो सीट्स है दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, और आपको अच्छा खासा कुशनिंग मिलता है, तो आप पतले हो चौड़े हो आप कंफर्टेबली बैठ के लंबे सफर पे भी जा सकते हैं। अब अगर आप चाहो थर्ड रो में जाने के लिए तो आप यहाँ सेंटर से भी जा सकते हो क्वाइट इजीली, अगर आप थोड़े फिट हो तो। अगर आप इसके इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बड़ी सी स्क्रीन, ओके और ये कनेक्टेड है टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑल्सो, स्क्रीन का यूटिलाइजेशन अच्छा, एंड पहले बार अगर आप ये स्क्रीन देखते तो इसका यूआई चेंज किया, वरना आपको हमेशा सेम यूआई ही आता था, इस बार यूआई सिस्टम कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है इस गाड़ी का, विच मेक्स इट क्वाइट डिफरेंट। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये बटन्स है, ये एक्चुअल में स्क्रीन के बटन सेटअप दिया गया है आपको इस गाड़ी में। जी हाँ, आप इससे सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मेरा गलती से वॉल्यूम चालू हो गया। क्लस्टर अगर आप देखते तो इसको पूरा ब्रांड न्यू क्लस्टर दिया गया, जो पहले नहीं आता था इसमें। आई मीन दिस इज ऑल न्यू, किया ने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं यहाँ पे, एंड आई रियली अप्रिशिएट जो चेंजेस इसको दिए गए। देख रहे हैं आप, इसका टेक्स्ट फॉन्ट सब कुछ अलग दिया हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। अब यहाँ पे आपके पास मिरर के साथ साथ एक स्क्रीन दी हुई है विच वर्क्स लाइक अ कैमरा, इजंट दैट फैंटास्टिक। तो जो पीछे दो लेंस था वो उसका फंक्शन था। अब और चीजें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों साइड आपको मिरर्स दिए हुए हैं विच एक्चुअली फंक्शन लाइक अ स्क्रीन, तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको ला रहे हैं और आपको बहुत कुछ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप पीछे से थोड़ा देखेंगे ना, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको यू नो यू गेट अ लॉट मोर क्लियर व्यू देन आपको जो रेगुलरली मिरर में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स शो यू
द फैक्ट कि यहाँ पे आपके पास फ्रंट में काफ़ी जगह है एंड जो आपकी सीट है ना, अगर ये देखेंगे आप तो आपकी सीट को भी आप आगे एडजस्ट कर सकते हो जिससे आपका कंफर्ट फर्दर एनहेंस हो जाएगा। इसकी अगर आप चाबी देखते हो तो काफ़ी कूल है, यहाँ पे आपको गाड़ी स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से बॉनेट खोल सकते हो, ये आपका अनलॉक है, ये लॉक है और यहाँ पे आप अपना बूट इससे खोल सकते हैं। यहाँ पे आपका गियर लेवर दिया गया और गाड़ी ऑन और ऑफ यहीं पे एक बटन से होती है स्ट्रेट अवे। यहाँ पे आपके पास अंडरनीथ भी काफी सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो इस वजह से आपके पास स्पेस काफी फ्री अप हो जाती है। आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए, सो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है, आपके पास यहाँ पे भी सॉकेट है टाइप सी, यहाँ पे भी टाइप सी सॉकेट दिया गया है, प्लस आपके जो कंट्रोल्स है वो इधर भी आ जाते हैं फॉर एसी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस सीट। आप ये सीट को ये भी आगे रिक्लाइन कर सकते हैं, सो यू कैन गेट अ मोर कंफर्टेबल लाइक फ्लाइंग बिजनेस क्लास सॉर्ट ऑफ अ फील आपको यहाँ आ जाएगा, दैट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल। तो आप लंबे सफर पे भी इजीली जा सकते हैं। इसमें बॉस मोड दिया गया तो ये सीट को आप पीछे और आगे पीछे भी कर सकते, आई मीन रिक्लाइन एंड आगे पीछे भी इजीली कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सनरूफ है आगे, छोटे साइज का, बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा, बाय द वे ये दोनों फ्रंट सीट जो है हीटेड एंड वेंटिलेटेड है और साथ में आपके पास यहाँ पे एक फैब्रिक भी दे दिया गया है इसमें। ओके, अगर आप इसके डोर की क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पे डोर का जो फिनिश है क्वालिटी काफी बढ़िया है, प्रीमियम लगता है एंड आपको जो स्पीकर्स इस गाड़ी में आ रहे हैं वो मेरिडियन के हैं। जी हाँ, मेरिडियन के स्पीकर्स दिए हुए हैं और जो फ्रंट का हीटेड एंड वेंटिलेशन का कंट्रोल है वो यहाँ टॉप पे ही डोर पे आपको मिल जाता है। वैसे इस गाड़ी की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट की है और इसका रेंज जो क्लेम्ड है वो 525 का है, मतलब रियल लाइफ में 450 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द किया EV9। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपको एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV चाहिए फिलहाल के लिए, द मोस्ट स्पेशियस एंड कंफर्टेबल चॉइस आपके लिए यही बन सकती है। अच्छा, बाय द वे आप जानना चाहोगे कि ये लॉन्च इंडिया में कब हो रही है, तो ये अगले साल में लॉन्च होगी, इस साल इसका लॉन्च होने का चांस नहीं है। और इसकी प्राइसिंग अगर ये कंप्लीट इंपोर्ट रहती है तो लगभग 80 से 90 लाख एटलीस्ट होने वाला है क्योंकि EV6 जो आती है वो 65 लाख रुपीस पड़ जाती है। अगर आप आज कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक लियू, पेट्रोल लियू, डीजल लियू, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचा रहे हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।